Assalamualaikum and welcome back to my channel with another brand new video. It's me Faika Sun in Faika Studio. So आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी. सो वीडियो करते हैं स्टार्ट टाइम वेस्ट के बगैर. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या अगर आपने चैनल को स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो. इसके अलावा साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन इंस्टेंट आपको मिल जाए और आप देख लें. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो कि मैंने ये हिजाब स्टाइल किस तरह से किया है जो आप विद एंड विदाउट ग्लासेस कैरी कर सकते हैं, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में. वहां पे आप मुझे फॉलो कर लें और देखें कि मैंने किस तरह से ये हिजाब वेयर किया है. ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड किया. तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट. मैं आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी बट मेक श्योर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करने वाली हूँ उससे पहले कि आप उस मेरे ऊपर बहुतान लगाएं. सो एक दो कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है. सबसे पहली चीज तो ये कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है. ये वीडियो ये जो ईद शॉपिंग है, जो भी चीजें मैंने खरीदी हैं, ये सब कुछ मैंने अपने पैसों से खरीदी हैं. दूसरी चीज कि ये मतलब दिखाना, अगर मैं ईद शॉपिंग आपको अपनी दिखा रही हूँ तो ये शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं है. और मैंने कोई इतनी शॉपिंग की भी नहीं. आप देख लेंगे मेरी मुख्तसर सी और सिंपल सी शॉपिंग जो कि मैं करती हूँ ईद के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करी और मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर करी हूँ. इसमें शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं है. तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ये बोलें कि भाई इतने क्रिटिकल हालात में कोरोना चल रहा है, ये वो, और इसने शॉपिंग की है और शॉपिंग में लगी हुई है ये वो, सो लेट मी क्लियर कि ये शॉपिंग मैंने 2019 नवंबर में की थी जब मैं पाकिस्तान गई थी. तब कोरोना का दूर दूर तक कोई नहीं था कि ऐसा कोई सीन आने वाला है. तब मैंने ये शॉपिंग की थी अपनी ईद के लिए और अब मैं आपको ये अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ. सो ये कुछ चीज़ें क्लियर करनी आपको बहुत ज़रूरी थी. सो अब करते हैं वीडियो को बाकायदा तौर पर स्टार्ट. ओके, तो ईद की मैंने दो अपने आउटफिट्स लिए थे, मतलब पजामा कोई, शर्ट कोई, मैंने इस तरह से अपनी शॉपिंग की थी. लेकिन मैंने दो अपने जो है जोड़े लिए थे. वैसे ज़्यादातर मैं मतलब यूजुअली मैं अपनी ईद के लिए सिर्फ एक ही जोड़ा लेती हूँ. मैं तीनों दिनों के सूट नहीं बनाती, ड्रेसेस नहीं बनाती. बट इस बार मैंने जो है दो लिए, जो मैंने एक ईस्टर्न लिया और एक मैंने एक वेस्टर्न शर्ट ली. पहले मैं आपको अपनी वेस्टर्न शर्ट दिखाती हूँ जो कि है गुल अहमद से मैंने ली थी. और ये वाली इसकी शर्ट है, मतलब बहुत सिंपल है. यू कैन सी इस तरह से उसका कॉलर है और इसका स्टाइल ये बहुत चौड़ी है. हुआ कुछ यूं था कि मुझे ये शर्ट देखते ही बहुत पसंद आई थी लेकिन इसमें स्मॉल साइज नहीं था. मुझे स्मॉल साइज आते हैं, इसमें मीडियम ही था लेकिन मुझे पसंद इतनी आई थी तो मैंने इसको मीडियम में ही ले लिया. और इसका स्टाइल भी कुछ इस तरह का है कि ये मतलब अगर ढीली ढाली हो तो ये बुरी नहीं लगेगी. और इसके स्लीव्स पे इस तरह से चुने हैं, बहुत 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 प्यारी. इसको मैं इसको हिजाब के साथ पहनूं और मैं कोई प्यारा सा नेकलेस पहनूं तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा. और इस पर इसके ऊपर क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग भी है, ये आपको आपके हिप्स भी कवर कर देती है. अच्छी खासी लंबी शर्ट है और उसके अलावा ढीली ढाली सी कम्फर्टेबल, बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक है. और मैंने ले ली बट आई डोंट थिंक कि अब मुझे ये आएगी काम पहनने में क्योंकि अभी हालात कुछ ऐसे तरह के लग नहीं रहे. लेकिन मैंने एक ले ली थी कि अगर हम कहीं बाहर डिनर पे इस तरह से जा रहे हैं तो मैं ये वाली अपनी एक शर्ट पहन लूंगी. सो एक मैंने ये वेस्टर्न शर्ट अपनी ली थी और दूसरी जो मैंने अपनी शर्ट ली थी वो खालिस ईद के दिन पहनने के लिए, वो मैंने ली थी ज़ेलबेरी से. और ये वाली वो शर्ट है. अच्छा, सीन कुछ ये है कि मैं ज़्यादातर, मुझे नहीं पसंद ज़्यादा शॉप्स पे, दुकानों पे घूमना, यहाँ भी देखूँ वहाँ भी देखूँ. मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी शॉप पे और हम ज़ेलबेरी पे सबसे पहले गए और वहाँ पे चढ़ते ही सामने मुझे शर्ट पसंद आ गई थी. और ये कज़िन, तो मैं जब गई तो मुझे सामने पे से ही ये शर्ट बिल्कुल पसंद आ गई थी. और मैंने देखते ही मैंने हसन से पूछा कि मैं ये ले लूँ, बहुत प्यारी लग रही है, तो मैंने फिर ये ले ली. आगे फिर मैं ज़्यादा शॉप्स के ऊपर नहीं घूमी कि यहाँ भी देखूँ वहाँ भी घूमूँ. बस एक जगह एक चीज़ पसंद आ गई तो मैं वहीं से वापस आ जाती हूँ. तो मुझे ये शर्ट पसंद आई थी और ये उस वक्त उनकी न्यू कलेक्शन में थी और सामने ही लगी हुई थी. और मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया था, उसके अलावा इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई वो थोड़ी सिंधे स्टाइल की, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट की थी. सो ये है वो मेरी ईद के दिन की शर्ट. ज़्यादातर इस पर जो है ये, बल्कि शर्ट भी नहीं, इसको आप गाउन कहेंगे. अच्छा खासा बड़ा ये स्मॉल साइज है लेकिन उसके बावजूद मुझे काफ़ी लूज है. तो इस तरह का इसका जो है स्टाइल है, नीचे से नीचे भी इस पर बॉर्डर बना हुआ है और काफ़ी चौड़ी है और आगे से थोड़ी सी ये ओपन है, ओपन शर्ट है लाइक इस तरह की. बहुत ढीली ढाली प्यारी सी, बहुत इसका लॉन टाइप ऑफ इसका फैब्रिक है. और इसकी स्लीव पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कुछ प्लेट्स डली हुई हैं.
मुझे बहुत 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 पसंद आई थी। और इस तरह से इसकी जो है वो इसका कॉलर है लाइक दिस, मतलब शेरवानी कॉलर है। तो ये शर्ट है जो मैंने अपनी ईद के लिए ली थी, और इसके साथ दुपट्टा ये है कि मैचिंग इसमें मल्टी कलर्स हैं, तो मैंने कोई दुपट्टा इसका अलग से नहीं लिया था, क्योंकि इस पर कोई भी कलर का स्टॉलर, कोई भी मल्टी कलर के दुपट्टा, कुछ भी इस पर चल जाएगा, तो मैंने अलग से बाय नहीं किया था। और एक चीज़ इसके ऊपर कि इस पर इस तरह से बटन्स भी लगे हुए हैं, लेट मी शो यू, इतने प्यारे प्यारे से बटन्स भी लगे हुए हैं, और बहुत मतलब, और ये लॉन्ग शर्ट है फुल नीचे तक, आपका जो पजामा या ट्राउजर जो भी आप इसके साथ वेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा नजर आएगा। दूसरी चीज़ ये कि ये कपड़े मैंने कोई प्रेस नहीं किए हुए, मैंने सूटकेस से अभी ही निकाले हैं जस्ट अपनी वीडियो के लिए, तो वो ख़राब हुए हैं सारे इनकेस। एनीवेज ये मेरी जो शर्ट है इसके साथ पजामा मेरे पास मैचिंग में नहीं था, उनके पास जेलबेरी वालों के पास ब्लैक था, वाइट थे इस तरह के थे, और मुझे इसके साथ सेम कलर में चाहिए था, तो इसके साइड में ही उसके बराबर में ही ओरिएंट की आउटलेट है, तो वहाँ से फिर मैंने इसका मैचिंग वाला जो है मैंने इसका टाइट्स किया, जो कि जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट टाइट है ये, और मतलब बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मैच है इस गाउन के साथ। और दूसरी चीज़ जो कि मुझे पहनने का सबसे ज़्यादा भी शौक हो रहा है वो है ये जो मैंने इसके साथ मैचिंग खुद से लिए थे, ये देखें, मतलब ये रखे हुए हैं कब से, और मैं वेट कर रही थी कि ईद आए तो मुझे ये पहनने को मिले, क्योंकि मुझे ये इस तरह के पम्प्स खुद से बहुत पसंद है। ये इस तरह के कुस्से हैं जो कि कलरफुल है, मल्टी है, और इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं, और ये मैंने ऐसी लोकल लिए थे, मतलब सस्ते, मतलब मुझे नज़र आया मैंने ले लिए, क्योंकि मैंने माइंड बना लिया था, मैंने इसको देखा कि इस पर सिंधी एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो मैंने सोचा कि इसके साथ मैं शूज़ भी ऐसे लूँ जिस पर थोड़ा यू नो सिंधी एम्ब्रॉयडरी, मतलब कुछ सिंधी वाला टच आए, तो इस तरह के मैंने इसके साथ खुद खुद से लिए जो कि इसके साथ परफेक्ट मैच कर रहे हैं। और ये गाउन है बिल्कुल लॉन्ग, तो इसके साथ इस तरह के पम्प्स जो हैं वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो यस, ये थी मेरी चुन्नी सी छोटी सी ईद की शॉपिंग। उसके अलावा ज्वेलरी मैं कुछ पहनती नहीं हूँ इतनी, लेकिन मैंने इसके साथ ही ये मैंने इसके साथ चूड़ियाँ ली थी। मुझे चूड़ियाँ या बैंगल्स इतने पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मैं लेती हूँ, क्योंकि उनको अच्छे लगते हैं। उसके अलावा इसके साथ मल्टी कलर में चूड़ियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, तो मैंने फ़ौरन के फ़ौरन ही वहीं आसपास जो है वो चूड़ियों के बैंगल्स की दुकान थी, तो वहीं मैंने अंकल को शर्ट दिखाई, मैंने कहा अंकल इसके साथ एक प्यारा सा शर्ट बना दें, बस वो डिस्को वाली उस तरह की चूड़ियाँ बता लीगा, इस तरह के लिए कि टूटी हुई ना और मैं पहन भी लूँ, तो ये स्टील की हैं और इसमें वो सारे कलर्स हैं जो कि मेरी शर्ट के अंदर, मेरी गोन के अंदर है। तो बस ज्वेलरी में मैंने ये लिया, और इयररिंग्स मेरे पास पहले से रखे हुए हैं मल्टी कलर के, तो मैं इयररिंग्स वो वाली पहनूंगी और चूड़ियाँ ये पहनूंगी। उसके साथ नेकलेस वगैरह कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर्ड, उसके गला है बिल्कुल शेरवानी कॉलर है, तो उसके साथ चूड़ियाँ, इवन इसके स्लीव्स भी फुल हैं, चूड़ियाँ इतनी नज़र नहीं आएंगी, बट फिर भी मैंने ले ली। तो ये थी मेरी ईद की शॉपिंग जो कि मैंने आपको दिखा दी है। मैंने दो ड्रेसेस लिए जिसका जो है दुपट्टा नहीं है, एक की सिर्फ शर्ट है क्योंकि वो वेस्टर्न है, तो ये मैंने एक शर्ट ली थी जेलबेरी से, और एक मैंने ली थी गुलेमर से, और दोनों ही बहुत प्यारी और सिंपल सी हैं। और इंशाल्लाह अब जब मैं ईद पे तैयार होंगी तो उसके पिक्चर्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी, डू फॉलो मी देयर अगर आपने स्टिल नहीं किया है। और आपने ईद की शॉपिंग की है या नहीं लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था तो काफ़ी लोगों ने कहा था कर लिया है, काफ़ी लोगों ने कहा था नहीं किया, सबका 50-50 था। एनीवेज थैंक यू सो मच, आई होप जो है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई इतनी लंबी चौड़ा इसमें मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया है, सिंपल सी चीज़ें दिखाएंगे जो कि हर कोई अपनी ईद के लिए जो है शॉप करता है। तो थैंक यू सो मच, और ये चीज़ें दिखाने का मकसद अगेन मैं आपको वही कह रही हूँ कि शो ऑफ बिल्कुल नहीं था, जस्ट मैं आपको दिखा रही थी अपनी अपनी खुशी शेयर कर रही थी, नथिंग एल्स। सो वीडियो करते हैं अब खत्म, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू फॉलो माई इंस्टाग्राम, डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अब मैं अपनी ईद के लुक्स भी करूंगी अपलोड जो कि मैंने फिल्म कर ली है, जिसमें मुझे एडिट करनी है, और अब मैं बैक टू बैक इंशाल्लाह अपनी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। कुछ ऐसे लुक्स भी करूंगी जो मैं ईद पे आप लोग इजीली कर सकें, जैसे अभी मैंने जो मेकअप किया हुआ है इसका ट्यूटोरियल भी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है, तो उसमें आप जो है इस तरह का ये लुक, मतलब जो इसमें आईलैशेस भी नहीं लगी हुई और बहुत प्यारा सा ये लुक है, आप इजीली कर सकती हैं ईद पे, और एक ड्यूई सा लुक भी आ रहा है। सो सारी अपडेट्स के लिए मैं आपको इसलिए कहती हूँ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नई वीडियो में मुलाकात होगी विद एन अदर एंड न्यू अच्छा सा टॉपिक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।